दोस्तों, मैं हूं सिमरन द फैक्ट आई से। आज हम जुड़े हुए हैं लोगों के साथ लाइव डेरा सच्चा सौदा आश्रम के बारे में जानने के लिए, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में जानने के लिए। चल आइए दोस्तों, हम लोगों के साथ लाइव बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा की सच्चाई। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुल है। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने अभी बीकॉम कंप्लीट करी है। तो डेरा सच्चा सौदा से आप कितने टाइम से जुड़े हुए हैं? एक्चुअली मैं डेरा सच्चा सौदा से 2007 सन में जुड़ गई थी। मैंने वहीं से नाम शब्द बचपन में ले लिया था। क्या आप अभी भी डेरा सच्चा सौदा आश्रम पे विश्वास रखते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स, विश्वास तो कभी टूटता नहीं है अगर एक जगह पे रख लो तो। और हमारा उन पर विश्वास कभी भी नहीं टूटेगा, आज भी पूरा विश्वास है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप डेरा सच्चा सौदा आश्रम में जा रहे हैं, आखिर क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि पढ़े सिर्फ अनपढ़ लोग ही जाते हैं वहाँ पे, पढ़े लिखे भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ से हमारे को सिर्फ सत्संग सुनने को मतलब बहुत सारी नॉलेज भी मिलती है। हमारे गुरुजी एक टीचर भी हैं, डॉक्टर भी हैं और ऑल अराउंडर गुरुजी हैं, उनसे हम बहुत सारी नॉलेज लेते हैं। लाइक वो पढ़ने का तरीका बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कि कैसे पर्सन पढ़ सकता है, और बहुत सारी नॉलेज मिलती है, तो इसलिए हम वहाँ पर जाते हैं। गुरुजी ने समाज के लिए क्या क्या कार्य करे? गुरुजी ने समाज के लिए बहुत से कार्य करे हैं कि उनके वर्ड्स बहुत कम हैं उनके, अगर उनके बारे में एक्सप्लेन करें। जैसे उन्होंने पौधारोपण स्टार्ट किया उन्होंने, और सफाई अभियान उन्होंने स्टार्ट किया, और सेव गर्ल चाइल्ड उन्होंने स्टार्ट किया, और बहुत सारे कार्य हैं कि हम उनके बारे में बता ही नहीं सकते। सुनने में आ रहा था कि लड़कियाँ वहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये तो बहुत गलत सुनने में आया है कि लड़कियाँ वहाँ पे सुरक्षित हैं। लड़कियाँ तो वहाँ पे बहुत सुरक्षित हैं, ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पे लड़कियाँ सुरक्षित हों, लेकिन वो सिर्फ एक एरिया है जहाँ पे लड़कियाँ अपने आप को कॉन्फिडेंस और पूरा सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। बीइंग अ गर्ल आप डेरा सच्चा सौदा में जा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे कि आप वहाँ पे सेफ हैं? हाँ, मैं सेफ हूँ, मुझे ऐसी कोई दिक्कत मैंने आज तक तो देखी नहीं, क्योंकि मैं बचपन से ही जा रही हूँ, और ना वहाँ पे ऐसा कोई टॉर्चर किया जाता कि किसी भी बात को लेके, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब देखा जा रहा है 3-4 साल से गुरुजी समाज में नहीं है, तो उससे समाज पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या प्रभाव आ रहा है? जैसे गुरुजी तीन चार सालों से समाज में नहीं है, तो इससे समाज पे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे आप देखो तो पंजाब में तो नशा तो हमेशा बढ़ता ही जा रहा है, रेगुलरली बेस भी बढ़ता ही जा रहा है वो तो, और गुंडागर्दी तो पूछो ही मत, हर एक कोने कोने में गुंडागर्दी चल रही है, तो फिर बहुत बैड इफेक्ट हो रहा है। एक तरफ तो उनके इतने अच्छाई के कार्य है, और दूसरी तरफ मीडिया की हेडलाइंस, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मीडिया का तो कहना ही क्या, मीडिया तो बहुत मतलब पता नहीं क्या क्या बोलती है, और अच्छाई तो उन्होंने आज तक दिखाई नहीं है, हमेशा बुराई ही दिखाई है उनकी। अगर अच्छाई दिखाएं तो लोगों को पता भी चले कि वो भी अच्छे काम करते हैं, अगर वो खुद ही अच्छाई नहीं देख पा रहे तो लोगों को क्या बताएंगे? क्या समाज को गुरु जी की ज़रूरत है? हाँ, ऑफ कोर्स, ऐसे गुरु की तो समाज को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और पूरी लाइफ टाइम के लिए ज़रूरत है। और जिन लोगों ने मीडिया के द्वारा गुरु जी को जाना है, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? जिन लोगों ने जाना है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने अच्छी बातें सुनी है और अच्छी बातें सुन के जाना है तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि